सो क्या हाल है दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मेरा गाना हसलर। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो अब हम स्क्रीन्स पे आ चुके हैं। ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, 166 इसका बीपीएम है। सुखवीर ने गाया है एंड उसी ने लिखा है भाई ने, सुमित ग्रोवर ने मिक्सिंग करी है भाई ने, एंड मैंने प्रोड्यूस करा। मैं एक बार मैं आपको सुना भी देता हूँ। ओके, मेरे नाल भावे किसे कट नहीं हो कीती, एवें बोलदे ने माड़ा साथों करदे ने सारा, ऐसी दुनिया तो वखरियां रावां चुनियां, कड़ थोड़ा टाइम हुंदा हुई जांदा कैम तेरे लक वांगू सोणीए हला दूं दुनिया, कड़ थोड़ा टाइम। प्रोजेक्ट क्रैश भी कर रहा है क्योंकि काफी हैवी है, प्लगइन्स यूज है। ओके, सो इस गाने में सबसे पहले हमने पियानो से स्टार्ट किया था। सो ये पियानो के दो लेयर्स हैं हमारे पास। पहली लेयर सुना देता हूँ, एंड जो सेकंड लेयर थी वो आई थिंक हमारी एम्बियंस था ज्यादातर। सो ये नेक्सस का प्रीसेट है। ओके, एंड उसके बाद हमने फर्दर इसमें गिटार ऐड करा था। सो ये गिटार सेशन लूप से मैंने निकाला था उसकी वेबसाइट से, एंड सो बेसिकली लेयरिंग हो रही है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कुछ कीज थे पियानो के, ये एंड कुछ और थे। उसके बाद हमारे पास एक फ्लूट था। सो ये स्टार्टिंग में यूज होता है, उसके बाद ये फिर अगले अंतरे में आता है। ओके, सो ये साथ में कुछ ऐसा साउंड करता है। सो आप देख रहे हो जो ये गैप्स हैं, ये कीज और इनसे फिल हो रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग में एक मूवी सीन था, उसका सैंपल करा था उसको, एंड एक एम्बियंस चल रहा है हवा विंड का। सो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर इतने ये कुछ एलिमेंट्स थे। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमारे पास ड्रम्स आते हैं, सो वहाँ पे एक मैंने ये नेक्सस से ही लिया था, ये भी था। उसके बाद मैंने उसको रेंडर आउट कर लिया था कि जैसे हमारे सिस्टम पे लोड कम पड़े। उसके बाद हमने एक क्वायर्स ऐड करे थे। सो ये थोड़ा सा इमोशनल एंड मोटिवेशनल सा मैंने फील रखा था पूरे ट्रैक का। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो पुश करते हैं उस वाइब को थोड़ा और ज़्यादा। उसके बाद नीचे हमारे पास ये भी उसी को फॉलो कर रहा है, टेक्सचर सा है, ये भी नेक्सस का ही है टेक्सचर। ओके, एंड फिर फर्दर हमारे पास ड्रम्स थे। ड्रम्स को हम एक थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम सारा मेलोडिक सेक्शन देख लेते हैं। एंड हमारे पास उसके बाद एक रीस बेस है जब क्रॉस आती है। सो ये बेसिकली कॉर्ड्स को फॉलो कर रहा है ये भी। ओके, देन हमारे पास जो हुक के ऊपर बेस है वो आई थिंक वो भी नेक्सस का ही है। सब नेक्सस में बहुत ज़्यादा इस गाने में यूज़ करी है, धर्मा सब। सो जो हमारी गाने में बेस लाइन है वो ये है। तो ये लास्ट में एक स्लाइड है, एंड मेलोडिक सेक्शन में और हमारे पास कई चीज़ें थी जिनको हमने आगे और वेरिएट कर करके यूज़ करा था। सो अब हम अपने ड्रम्स के ऊपर मूव करते हैं। आई थिंक यही था हमारे पास हमारे सॉरी दो चीज़ें मैं भूल गया। सो एक तो ये जो गिटार था इसको हमने, और इसी का एक पैटर्न हुक के ऊपर भी चलता है। ओके, सो ये मेलोट्रॉन प्लगइन की हमारे पास स्ट्रिंग्स थी। पूरे गाने में ये सबसे अहम कह लो आप, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो फेवरेट पार्ट है मेरा, जो फेवरेट एलिमेंट है गाने का वो यही था। सो ये बहुत ही मेरे को सही लगती है अगर आप सुनोगे, अगर गाने में जब यहाँ पे आती है सेक्शन में मेरे को तब बहुत सही लगती है एलिमेंट। तो थलो पाट दे करी दीनी केर हाथ मालिक दे डोर है, आके ऐसे मुल पर आज लें दे फीलिंग जो फीम दी सौ मेनू लगे मेरे टूटे हुए। सो ये इस सेक्शन में बहुत ही सही लगता है। अब हम फर्दर मूव करते हैं हमारे ड्रम्स के ऊपर। सो ड्रम्स हमारे पास जो थे, ओके, मैंने एक पैटर्न में ही है, एक पैटर्न में ही दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो हमारे पास केक है BWB की, एंड स्नेयर है कैपिटल ड्रम किट 4 का हॉलो स्नेयर, ओपन हाई हेड भी उसी सैंपल पैक से, लाइव हाई हेड भी उसी हेड से, मतलब क्लोज द हेड भी। सो ये सिंपल एक पैटर्न चलता है हमारे पास। फिर जब हुक आती है उस पर हमने और हाई हेड्स ऐड करें, एक हाई हेड ये ऐड आती है हमारे, एंड एक रोल्स हैं, तो ये दोनों कुछ ऐसा साउंड करते हैं साथ में ये दोनों हाई हेड्स। तो ये सिर्फ हुक पे आती है। ओके,
सो सारे ड्रम्स जो है हमारे कुछ इस टाइप से साउंड करते हैं। एक क्रैश है हमारे पास बूप सागू के सैंपल पैक से, फिर एक स्नेयर भी हुक पे ऐड होता है हमारे पास। ये हमारे पास कुछ एफेक्ट्स हैं। सो बाकी हमारे पास एफएक्स सेक्शन था। एफएक्स में हमारे पास जैसे कि ये रिवर्स शाउट्स, ये भी शाउट, ये भी वोकल है। सो कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स थे इस गाने में टोटल हमारे पास। सो ये एफएक्स भी बड़े सही साउंड करते हैं जब हमारे पास जैसे इस जगह के ऊपर अगर आप सुन के देखोगे। टोटल सारा चलाता तो यहाँ पे ये जितना भी ये चीज़ें हैं ना, ये गाने की और पकड़ बनाती हैं। सो ये एफएक्स भी आप अच्छे से यूज़ करो अपने सॉन्ग्स में, एंड होप आपको गाना अच्छा लगा होगा। ये हमारे पास वोकल्स थे, मैंने तो जो अपने हैंड से करा था, बट सुमित ग्रोवर भाई ने पूरे गाने को इतना अच्छा पॉलिश किया, एंड आज आपके सामने गाना आप सुन सकते हो स्पॉटिफाई आईट्यून्स हर जगह। एंड होप आपको गाना अच्छा लगा होगा। सबको फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो, सुखवीर भाई को फॉलो करो, सुमित भाई को फॉलो करो, एंड थैंक यू सो मच। होप है आपको अच्छा गाना लगा होगा।